हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, दैट इज सेमी पिनेकल रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब सेमी पिनेकल रीअरेंजमेंट में क्या होता है? सेमी पिनेकल, हमारे पास पिनेकल तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी लिया कि हमारे पास वन टू डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, दोनों कार्बन जो है वो टर्शियरी कार्बन होते हैं। ओके, अब यहाँ पर सेमी पिनेकल रीअरेंजमेंट क्या होता है कि हमारे पास वो अल्कोहल्स दैट हैव वेरी गुड लिविंग ग्रुप एट बीटा कार्बन, तो जिनमें लिविंग ग्रुप होता है एट बीटा कार्बन, तो वो वाले अल्कोहल्स जो होते हैं दैट आर सेमी पिनेकल्स। अब इसका एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक पिनेकल है, यहाँ पर अल्कोहल है, तो यहाँ पर अगर टॉसाइल ग्रुप हो या फिर आयोडो ग्रुप हो या फिर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप हो, ठीक है, मतलब हमारे पास डायसो ग्रुप हो, सॉरी। ओके, तो ये वाले जो तीन ग्रुप्स हैं ये हमारे अगर अल्कोहल के साथ लगे हों तो दैट आर सेमी पिनेकल्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सेमी पिनेकल्स। अब देखो, सेमी पिनेकल रीअरेंजमेंट में होता क्या है, हम प्रॉपरली इसकी एक रिएक्शन स्टडी करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वही तरीके की पिनेकल रीअरेंजमेंट ही है, पर लेकिन यहाँ पर दोनों कार्बन्स पर अल्कोहल नहीं होता, दोनों कार्बन्स पर एक डिफरेंट हमारे पास लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक पिनेकल था जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर CH3 था, फिनाइल था, OH था, एंड ऑन द सेकेंड कार्बन वी हैव NH2, CH3 एंड H। अब सेमी पिनेकल तो ऐसे ही बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रेशन जो होती है हमारी, ठीक है, हमारे पास डायज़ोटाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ पर डायज़ोनियम ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना, तो ये डायज़ोटाइजेशन से यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी, तो यहाँ पर आगे क्या होता है, हमारा एंटो ग्रुप जो है लीव कर देता है ऑन हीटिंग नाइट्रोजन गैस की तरह, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसमें क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन। अब वही जो पहले हुआ था, हमारे पास एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात होती है कि मिथाइल ग्रुप पहले मूव करेगा या फिर फिनाइल, तो फिनाइल जो होते हैं दैट आर लेस माइग्रेटिंग ग्रुप्स, और मिथाइल जो है वो जल्दी माइग्रेट करता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, तो फिनाइल जो होता है वो जल्दी माइग्रेट करता है दैन दी मिथाइल। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, OH जो है यहाँ से उसके इलेक्ट्रॉन्स आकर ये यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा जैसे हमने पहले किया था। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा फर्स्ट रिएक्शन का? सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और यहाँ पर एक फिनाइल है, यहाँ एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है। अगर आयोडो हो तब भी हमारे पास सेम ही रिएक्शन होती है। देख, अगर यहाँ पर आयोडो होता, बाकी सारे कार्बन पर अगर कोई आर ग्रुप्स है, अगर हमने AgNO3 डाल दिया, AgNO3 तो आयोडीन को रिमूव कर लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो कार्बोकैटायन जब बनता है तो उसके बाद क्या होता है, ये वाला ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट कर जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बोकैटायन बनता है और डबल बॉन्ड वो आ जाता है उसके बाद उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनता है सेमी पिनेकल रीअरेंजमेंट। अब सेमी पिनेकल रीअरेंजमेंट जो होते हैं दैट आर कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस, दैट आर कीमो सेलेक्टिव। तो कीमो सेलेक्टिव का असल मतलब हम समझेंगे इस रिएक्शन में। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये मैंने नॉर्मल सिस्टम पहले भी बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पर एक OH लगा हुआ है और एक OH यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये हमारा जो है ये वाला OH, इसके पास तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा टर्शियरी OH हो गया, और ये वाले OH पर एक ही मिथाइल ग्रुप के साथ OH है, तो दिस इज़ अवर प्राइमरी OH ग्रुप। ओके, अब हमारे पास जो है इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो OH है इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट एसिड डालें, अगर एसिड डालें तो OH जो है ये वाला टर्शियरी वाला पहले रिएक्ट करेगा, तो ये फटाफट एसिड को ग्रैब करके यहाँ पर वाटर बनाएगा और वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर फिर से OH बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ से ये वाला कार्बन जो है इसमें जो है हाइड्रोजन रिमूव होके ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाता है और बाकी हमारे पास साथ में H लगा रह जाता है।
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ यहाँ पर सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और साथ में ये एक एच बन जाता है। तो ये एक प्रोडक्ट आ सकता है। या फिर हमारी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन कैसे हो सकती है, अगर हम टोसाइल क्लोराइड डालें, टोसाइल क्लोराइड जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है अगर ओ टी एस बना ले तो यहाँ पर पीरीडीन की प्रेजेंस में ये बेस है तो इट विल रिएक्ट फर्स्ट ऑन द प्राइमरी ग्रुप। बेस जो है वो फर्स्ट रिएक्ट करता है प्राइमरी ग्रुप पे, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, पीरीडीन जो है वो ओ एच में से एच एब्स्ट्रैक्ट करता है, बेसिस एब्स्ट्रैक्ट दी एच आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओ नेगेटिव बन जाता था, ओ नेगेटिव और टी एस यहाँ पर ऐड करके ओ टी एस बन जाता है। तो ओ टी एस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, दैट इज हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, बस इसके ऊपर क्या करना है हमने, सिंपली ये ओ टी एस लीव कैसे करेगा, इन द प्रेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन माइल्ड बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो आगे हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबलाइज कैसे होता है बाय सेमी पिनिकल रीअरेंजमेंट, कैसे होगा, ये जो ग्रुप है ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये कार्बन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सिक्स मेंबर रिंग की जगह पर सेवन मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सेवन मेंबर रिंग बन गई, बाकी सब कुछ सेम रहा, यहाँ पर ओ एच जो था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद वो डबल बॉन्ड ओ में चेंज जाएगा। सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज़ द सेमी पिनिकल रीअरेंजमेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।